एक टीचर ने देखा कि उनका छात्र बड़ा ही गंदे कपड़ों में बैठा हुआ है, ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, और टीचर ने विचार किया पूरे क्लास में नालायक है। उन्होंने सोचा कि पुराने इनके रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो पहले ग्रेड के टीचर ने लिखा था कितना होशियार स्टूडेंट है, दूसरे ग्रेड के टीचर ने लिखा था बड़ा ही कुशाग्र और बुद्धि वाला है और कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है, तीसरे ग्रेड के टीचर ने लिखा जब से माता का देहांत हुआ तब से इसका हुलिया बदल गया, चौथे ग्रेड टीचर ने लिखा पिछले कुछ दिनों से ये उदास लग रहा है और रहता है क्लास में, मन कहीं और भटक रहा है। तब पांचवें क्लास के टीचर ये चार क्लास के रिपोर्ट देखकर समझ गई कि इस बच्चे की समस्या यह है कि जब से माता का अकाल मृत्यु हुई तब से उसके ऊपर सदमा लगा और उस सदमा का ही परिणाम है। देखिए, जब भी हम किसी को देखते हैं तो उनको उनके परिस्थितियों के वशीभूत क्या उन पर असर हुआ है उसके आधार पर देखना चाहिए, अन्यथा हम लोग कई लोगों को गलत समझेंगे। तब एक दिन आया जब सारे छात्र अलग अलग प्रकार से वस्तुएं लाकर टीचर को भेंट में दिए और इस व्यक्ति ने लाकर टीचर को एक टूटी हुई चूड़ियां दी और एक इत्र दिया जिसका अजीबोगरीब सुगंध था। सारे लोग हंसने लगे लेकिन टीचर ने सबको रोका और कहा कि इस छात्र ने जो लाया है कितना प्रेम से लाया है और इत्र की कितनी अच्छी सुगंध है। छात्र ने कहा टीचर जब आप ये इत्र लगाए हो तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। टीचर ने अधिक समय देना आरंभ किया, विशेष ध्यान दिया, धीरे धीरे उस स्टूडेंट के अंदर ऊर्जा आ गई, आत्मविश्वास जागृत हो गया और उसके परिणाम स्वरूप वो कुछ समय में क्लास टॉप करने लगा, भविष्य में बनके डॉक्टर बना। विवाह के दिन इस टीचर को बुलाया, टीचर जब आई ये छात्र जो अब डॉक्टर बन गया था टीचर को कहता है आपने मुझे प्रोत्साहन दिया, आपने मुझ में विश्वास किया, आपकी मुझ पर आशाएं थीं और उन आशाओं के कारण मैं अपने भविष्य के उज्जवल सत्य को देख पाया, अन्यथा मैं हताश लाचार बेबस होकर आशा खो बैठा था। आइए हम दूसरों के जीवन में आशा की ज्योत प्रज्वलित करें, उनको अपने हर प्रकार के आलोचना से हतोत्साहित न करें। अतः तेक्वा गता सिद्धा चत्वार चारुदर्शन व्यामोचयम नियमाना बद्ध्वा पाशेरधो भुव। वर्णन आया है जब अजामिल के जीवन में यमदूत आए तब विष्णुदूत आकर नारायण शब्द का प्रतिध्वनि सुनकर उसे बचा लिए। अजामिल बचने के बाद उन विष्णुदूतों को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहता है अगर आप नहीं होते तो मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं हो पाता। आइए कृतज्ञता की भावना के साथ हम उन सभी लोगों का स्मरण करें जिन्होंने हमें अपने जीवन में अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम दिया है, जिसके कारण आज हम कुछ बन सके। उसके बिना हमारा वर्तमान ऐसा नहीं होता जैसा है।